ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गेम जो है स्टार्ट हो गया है, और अभी यहाँ पर जो है इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है ब्राइटनेस के कारण यहाँ पर सब कुछ वाइट वाइट है, इसलिए यहाँ पर कंट्रोल्स भी सही से दिख नहीं रहे। तो फटाफट से यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्ले करके देखते हैं कि कितना हमें यहाँ पर फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में मोबोक्स वाव 64 का सेटअप कैसे कर सकते हो। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पर जो है गूगल के ऊपर सर्च करना है मोबोक्स गिटअप। तो मोबोक्स गिटअप लिख के आप यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे आप इसको सर्च कर लेते हो, यहाँ पर आपको जो गिटअप की वेबसाइट आती है इसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन वाले यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये जो तीन एप्लीकेशन है इनको आपको डाउनलोड कर लेना है, टर्मक्स, टर्मक्स X11 और इनपुट ब्रिज। इनको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो सिंपल से इसको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है तो ये डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको इन तीनों एप्लीकेशन को एक एक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो कमांड दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टर्मक्स को ओपन कर लीजिए। तो टर्मक्स को ओपन करने के बाद जो कमांड आपको गिटअप वाले साइट पर जो दिया है, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, तो इसको आपको कॉपी करके आपको टर्मक्स में आके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप इसको पेस्ट कर लेते हो, सिंपल से आपको यहाँ पर एंटर बटन दो दबा देना है। जैसे आप इसको एंटर कर देते हो, यहाँ पर ये जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है कुछ ही देर में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए स्टार्टिंग में। तो आपको बिल्कुल इसको बंद नहीं करना है, आपको ऐसे ही इसको छोड़ देना है। तो जैसे आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर इसको अलाउ कर लीजिए। तो जो भी परमिशन इसको चाहिए उसको आप अलाउ कर लीजिए। तो जैसे आप परमिशन को अलाउ कर लेते हो, फिर भी आपको यहाँ पर स्टोरेज परमिशन डिनाइड इस तरह का दिखा रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर लीजिए, ये अपने आप हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसके कुछ पैकेजेस जो है इंस्टॉल करेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपको भी टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर आप इसको बंद मत कर देना, यहाँ पर आपको ऐसे ही वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इसमें डाउनलोडिंग में थोड़ा टाइम लगे, तो आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको ऐसे ही इसको चालू रखना है, ये डाउनलोडिंग अपने आप हो जाता है। ओके, तो कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह के दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, इसकी मदद से आप जो बॉक्स 86 जो मोबोक्स का पुराना वर्जन है इसको आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम जो है मोबोक्स का वाव 64 जो नया वर्जन है इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल न्यू मोबोक्स वाव 64 वर्जन, इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल से आपको यहाँ पर दो टाइप कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल से 2 एंटर कर लीजिए, मतलब 2 एंटर कर लेना और यहाँ पर आपको एंटर बटन दबा देना। तो उसके बाद ये फिर से डाउनलोडिंग करेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ और आपको सीधा आगे का बता देता हूँ। ओके, तो जैसे आपका यहाँ पर डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आपको इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पर आपको टाइप मोबोक्स करके आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर सिंपल से मोबोक्स लिख देना है, मतलब टाइप कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर मोबोक्स टाइप कर लेते हो, सिंपल से आप यहाँ पर एंटर कर लेना और यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लीजिए, और इसके बाद आपका यहाँ पर मोबोक्स जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना दूसरे नंबर पर, और फिर से आपको यहाँ से ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद अभी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर जो सिस्टम सेटिंग है 4 नंबर पर, तो इसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर लीजिए। अभी आपको यहाँ पर चेंज फॉलबैक रेजोल्यूशन जो है इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर ओके कर लीजिए, और यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन एंटर करना है। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन रखना है 800x600। तो अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है 1280x720 भी रख सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा रखोगे तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको कम ही रेजोल्यूशन यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने रखा है इतना आप रख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर लीजिए। इसके बाद अभी आपके ऊपर जो दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना, चेंज प्राइमरी कोर्स के ऊपर, और यहाँ पर आपको ओके कर लेना है, और यहाँ पर आपको इसको 8 कोर के ऊपर सेट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर लेना, तभी ये सेट हो जाएगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो है बैक कर लेना है, मतलब कैंसिल के बटन पर क्लिक कर लेना, और अभी आपको यहाँ पर जो 4 नंबर पर ऑप्शन है सिलेक्ट करंट वाइन कंटेनर के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट वाला है वाइन 9.3 वैनिला वाव 64 वाला वर्जन है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 एंटर कर लीजिए, तो यहाँ पर मैंने गलती से 3 एंटर कर लिया, तो यहाँ पर हमें नंबर 2 को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर इसको कैंसिल कर लीजिए और टर्मक्स को बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं टर्मक्स एप्लीकेशन को यहाँ पर बंद कर लेता हूँ। तो
रिसेंट में एप्स में से भी हम बंद कर लेते हैं। और अभी आपको यहाँ पर ओपन करना है टर्मक्स X11 एप्लीकेशन को, इसको ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप इसको ओपन कर लेते हो, यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर लेना, और अभी आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है डिस्प्ले रेजोल्यूशन मोड, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक्जैक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डिस्प्ले रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको 1280x720 का जो रेजोल्यूशन इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेच टू फिट डिस्प्ले को ऑन कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है तो इसको आपको यहाँ पर बंद कर लीजिए। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फुल स्क्रीन ऑन डिवाइस डिस्प्ले, तो यहाँ से आपको इसको ऑन कर लीजिए। पोर्स लैंडस्केप ओरिएंटेशन को भी ऑन कर लीजिए। उसके बाद हाइट डिस्प्ले कटआउट को यहाँ पर आपको ऑन कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो है और एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन है शो एडिशनल कीबोर्ड, तो इसको आपको यहाँ पर बंद कर लीजिए। तो जैसे आप इसको बंद कर लेते हो, यहाँ पर आपको बस इतनी ही सेटिंग कर लेनी है, बाकी कुछ ज़्यादा से चेंजेस नहीं करना है। तो आप एक बार सेटिंग्स को ध्यान से देख लेना, तो इस सेटिंग को आपको यहाँ पर टर्मक्स X11 एप्लीकेशन में कर लेना है। जैसे आप इस सेटिंग को कर लेते हो, उसके बाद आप इसको बंद कर लीजिए। और अभी आपको यहाँ पर ओपन करना है इनपुट ब्रिज एप्लीकेशन को, तो इसका क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी मदद से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कंट्रोल्स ऐड कर सकते हो, मतलब अलग अलग गेम के अलग अलग से कंट्रोल बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, या फिर कोई प्रीसेट भी ऐड कर सकते हो। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो अभी आपको इसमें खुद से अगर कंट्रोल बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे वो मैं पहले बता देता हूं। तो उसके लिए आपको यहां पर ये जो प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो, यहां पर आपको क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर यस कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे। तो अभी आपको यहां पर एडिट कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर लेना, और अभी आपको यहां पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी आपको जिस भी पॉइंट पर बटन लगाना है वहां पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे कि अभी हमें यहां पर एक बटन ऐड करना है, तो यहां पर क्लिक कर लेना। और अभी आपको यहां पर क्रिएट कंट्रोल एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहां पर आपका एक बटन ऐड हो जाता है, लेकिन अभी इसमें जो है हमने एक्शन ऐड नहीं किया है। तो इस बटन का क्या काम है वो आप यहां पर सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी यहां पर आपको इसको सर्कल शेप में रखना है या फिर राउंडेड रखना है वो आप यहां पर सेट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इस वाले शेप में रख देते हैं, और उसके बाद आपको यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिए। और अभी आपको यहां पर नीचे की तरफ आना है, की कोड के ऊपर क्लिक कर लेना, और एक काम क्या करेगा वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे कि इस बटन को दबाने से अप जाएगा, डाउन जाएगा, लेफ्ट राइट, जो भी आप इसको एक्शन सेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि अभी हम इसको एंटर पर सेट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसमें कंट्रोल्स वगैरह बना सकते हो खुद से। ओके, तो अगर आप खुद से कोई कंट्रोल्स वगैरह बनाना नहीं चाहते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इस केस में आप जो है इसका प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत से लोगों ने प्रीसेट बनाए हैं, उसको आप डाउनलोड करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इनपुट ब्रिज प्रीसेट्स, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बने बनाए प्रीसेट शेयर किए हैं, उनको आप डाउनलोड करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं जो प्रीसेट यूज करने वाला हूँ उसका भी लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके यूज कर लेना। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें प्रीसेट को ऐड कैसे कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने कोई प्रीसेट डाउनलोड किया है तो आप इसमें ऐड कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना, और आपका जिस भी फोल्डर में प्रीसेट रखा है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रीसेट्स पड़े हैं, तो इसमें से यहाँ पर मैं जो हिटमैन का यूज करूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हम हिटमैन गेम को टेस्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैं हिटमैन का कंट्रोल यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप जैसे उस प्रीसेट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर क्लोज कर लीजिए, और ये जो पहला ऑप्शन है इसको आप यहाँ पर ऑन कर लीजिए। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, और यहाँ से इसको ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर लीजिए। और अभी आपको यहाँ पर ओपन करना है टर्मक्स एप्लीकेशन को, ध्यान रहे टर्मक्स को ओपन कर लीजिए। टर्मक्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल से लिख देना है मोबॉक्स, क्योंकि हमने जो मोबॉक्स का सेटअप कर लिया है, तो बस आपको यहाँ पर मोबॉक्स लिख देना है और एंटर कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर मोबॉक्स लिख के एंटर कर देते हो, यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लीजिए, और आपका यहाँ पर जो मोबॉक्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपका यहाँ पर मोबॉक्स स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको स्टार्ट वाइन के ऊपर ओके कर लीजिए। ओके, तो अभी यहाँ पर फिर से कुछ डाउनलोडिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पहली बार इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली बार अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये थोड़े फाइल्स वगैरह डाउनलोड करता रहता है, तो एक बार इसको कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर जो है फटाफट से ओपन हो जाएगा। तो पहली बार इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है मोबॉक्स ओपन हो गया है। तो जैसे ही यहाँ पर मोबॉक्स स्टार्ट हो जाएगा, अभी आपको यहाँ पर आना है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर। स्टार्ट मेन्यू पर आने के बाद अभी आपको यहाँ पर आना है इंस्टॉल ऑप्शन के ऊपर।
और यहाँ से आपके पास अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो यहाँ पर आपको इसमें से DXVK Async 1.10.3 को इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आपके पास MediaTek का प्रोसेसर है तो यहाँ पर आपको WinD3D 8.20 ये जो लास्ट वाला है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और सेम आपको नीचे की तरफ आना है टर्निप वर्जन 6.5 के ऊपर, और इसमें भी आपको अगर आपके पास स्नैपड्रैगन का है तो यहाँ पर आपको टर्निप वाला जो भी वर्जन है इसको आप ट्राई करके देख लेना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है 6.5 पर आता है, लेकिन आप हर एक को ट्राई करके देख सकते हो कौन सा आपके फ़ोन में यूज़ होता है, मतलब सूट होता है। और अगर आपके पास MediaTek का प्रोसेसर है तो आपको इसके लिए आपको यहाँ पर वर्जन ये जो लास्ट वाला है इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है बाकी कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर अपना जो गेम है वो आप यहाँ पर स्टार्ट करके देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर मेरे पास हिटमैन का गेम है, इसको यहाँ पर मैं फटाफट से स्टार्ट करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो गेम को इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पर मैंने इसका शॉर्टकट बना दिया डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अभी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इसके ऊपर डबल क्लिक करके। और यहाँ पर बहुत से लोग जो है कमेंट करके बोलते हैं कि भाई विनलेटर या फिर मोबॉक्स के लिए जो है गेम्स कैसे डाउनलोड करनी है वो बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता, यूट्यूब पर नहीं बता सकता कि आपको गेम्स कैसे डाउनलोड करनी है वगैरह वगैरह, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ के ऊपर यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक वगैरह आती है और वीडियो डिलीट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता। तो आप यहाँ पर जो है गूगल वगैरह कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पर गेम जो है स्टार्ट हो गया है, तो अभी यहाँ पर मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हमें गेम को प्ले करने के लिए कंट्रोल्स ऐड करने होंगे। तो जैसा कि हमने इनपुट ब्रिज में प्रीसेट सेट किया था, तो उसको यूज करने के लिए अभी आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो, यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल्स आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इन कंट्रोल्स की मदद से आप यहाँ पर गेम खेल सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं फटाफट से गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमें इसमें कितने फ्रेम रेट देखने को मिल जाते हैं। तो अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें फ्रेम रेट देखने को मिल रहे हैं कुछ 4750 के आसपास कुछ है। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गेम जो है स्टार्ट हो गया है, और अभी यहाँ पर जो है इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है ब्राइटनेस के कारण यहाँ पर सब कुछ वाइट वाइट है, इसलिए यहाँ पर कंट्रोल्स भी सही से दिख नहीं रहे। तो फटाफट से यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्ले करके देखते हैं कि कितना हमें यहाँ पर फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर अगर हम फ्रेम रेट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 47 जो है कुछ फ्रेम रेट है। तो यहाँ पर ओके 4750 के आसपास अभी तक तो फ्रेम रेट शो कर रहे हैं, तो फ्रेम रेट काफ़ी सही आ रहे हैं, मतलब स्मूथली अभी तक तो चल रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर जो गेम है वो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, और यहाँ पर सेम गेम को मैंने विनलेटर में ट्राई किया था तो उसमें मुझे कुछ 30 फ्रेम रेट मिल रहे थे, 30 या फिर उससे भी कम शायद मिल रहे थे। तो उसके हिसाब से अभी यहाँ पर मोबॉक्स में काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के जो ओल्ड गेम है वो हम मोबॉक्स में काफ़ी आसानी से खेल सकते हो, मतलब कि अगर आपके पास कोई पावरफुल डिवाइस ना भी हो तो भी आप यहाँ पर इसकी मदद से, मतलब मोबॉक्स में जो है आप ओल्ड गेम्स पीसी के खेल सकते हो, जो कि काफ़ी स्मूथ तरीके से चल जाते हैं। अगर आपके पास स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा है फ़ोन में तो और भी अच्छा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमारा जो गेम है वो चल रहा है, और इस तरीके से आप यहाँ पर गेम वगैरह खेल सकते हो। तो अभी अगर फ्रेम रेट देखें तो अभी भी 40 के आसपास, मतलब ये मिल ही जाता है, मतलब कभी कभी 40 के नीचे भी आ जाता है, लेकिन ठीक है 40-50 के आसपास इसका फ्रेम रेट हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें मोबॉक्स का सेटअप कर सकते हो अपने फ़ोन में। और अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। अगर आपके पास कोई और रिक्वेस्ट हो किसी वीडियो के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।